वेलकम टू माय चैनल जस्ट अ ग्लिम्स मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अनिका आप सब कैसे हैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अब मैं एक ऐसी मूवी का कर रिव्यू करने वाली हूं जो कि आप ना ही देखो तो आप बहुत खुश रहोगे मूवी अनाथे रिलीज़ हो चुकी है और ये मूवी तमिल में रिलीज़ हुई है तो हिंदी वालों के लिए तो पहले तो बोलोगे तुम लोग बच गए यार पर अगर किसी को मन हो रजनीकांत देखने का तो वेट करना होगा अब मूवी के बारे में मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये बहुत ही बोरिंग मूवी थी तो ये सब आपको मेरा रिव्यू एंड तक देखने के बाद पता चलेगा और उसके पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें चलिए मूवी अनाथ है जो कि मैंने कहा तमिल में रिलीज़ हुई है और इस मूवी में मेन कास्ट में सबको पता है रजनीकांत है तो हमारे रजनीकांत के फैंस मर रहे थे और मुझे लगता है कि तमिलनाडु में तो हाउसफुल फुल कन्फर्म होगा पर साथ ही रजनीकांत के यहाँ पे आपको दिखेंगे कीर्ति सुरेश नैन तारा और जगपति बाबू तो हमारे फेमस विलेन होते ही हैं तो मूवी की बात करें तो मूवी एक कंप्लीट फैमिली मूवी है पर जहाँ ज़माना रीमेक का चल रहा है मूवीज़ का अब लगता है हमारे डायरेक्टर शिवन ने ट्राई किया है मूवीज़ का कॉम्बिनेशन तो इनकी पहले जो तीन मूवीज़ थी वेदलम विश्वासम और वीरम इन तीन मूवीज़ को अगर आप देख लो तो उनका कॉम्बिनेशन आपको लगेगा अनपथे तो ये मूवी इसलिए रिलीज़ हुई है कि कुछ नया आना चाहिए में और वो क्या है रीमेक नहीं है मूवीज़ का कॉम्बिनेशन है मूवी की स्टोरी में कुछ नयापन नहीं है रजनीकांत और कीर्ति सुरेश भाई बहन दिखाए गए हैं अब इन दोनों में एज गैप कितना होगा दोस्तों बहुत ज़्यादा होगा और अगर हमारे राधे मूवी में आपको ध्यान हो तो दिशा पटनी और जैकी श्राफ़ के भाई बहनों के होने पे बहुत सारे सवाल हुए थे तो इन दोनों में भी होने बनते हैं पर मूवी में आप जैसा चलो अब स्टोरी बता दिए उस मूवी की तो कुछ नया पर नहीं है यार मैं क्या बोलूँ मतलब मूवी देख के मुझे ऐसा लगा मैंने अपना सिर दर्द बढ़ा लिया मूवी में दोनों को भाई बहन का रिश्ता ही दिखाया गया है मेन तो सिर्फ मूवी भाई बहन के रिश्ते पे बनी हुई है और ऐसी मूवीज़ हमने बहुत सारी देखी हुई हैं ऑलरेडी अब रजनीकांत भाई का रोल प्ले कर रहे हैं कीर्ति सुरेश उनकी बहन है इसमें और कीर्ति सुरेश का मुझे लगता है सिर्फ रोने और ये बोलने के अलावा कोई रोल नहीं था जहाँ पे वो हर चीज़ें बोलती रहती मेरे भैया जो बोलेंगे वो सही है और सिर्फ पूरी मूवी में रोती रहती है मतलब इतनी डम एक्टिंग होती बकवास एक्टिंग तो मैंने उनसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी और मिस इंडिया अगर आपने देखी हो तो वहाँ पर वो जो बोल्ड लेडी थी और यहाँ पर वो जितनी डम्ब दिखी है मीन्स हाउ कैन बी और साथ ही इतना ही नहीं सिर्फ मूवी में बहुत कुछ ऐसा बकवास सा आपको दिखेगा रजनीकांत की एक्टिंग नो डाउट सब फैंस हैं उनके और रजनीकांत ने बहुत अच्छा एक्ट किया है एक्टिंग में तो उनका कोई मात नहीं दे सकता उन्हें पर ये उनको भी समझ लेना चाहिए कि अब उनकी उम्र हो चुकी है मूवी में वही नाइन्टीज़ की एक्टिंग करना मतलब वही भाई बहन का प्यार फिर कुछ हो जाना और बहन के लिए परेशानियां क्रिएट हो जाना और भाई का उसको बचाने जाना ओवर प्रोटेक्टिव होना और वही सॉन्ग्स होना वही मीन्स नॉर्मल सी कॉमेडी मतलब ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं मूवी में चलो नयापन नहीं था स्टोरी में पर ऐसा लगता है डायरेक्टर शिवन ने सोचा कि रजनीकांत को मूवी दे दी जाए तो वो कोई भी स्क्रिप्ट लिख देंगे मूवी चल जाएगी वी एफ एक्स की तो धज्जी उड़ा दी मूवी में और हमारे जगतपति बाबू ने ना पैटेंट लिया है विलन बनने का कोई भी फैमिली मूवी हो या कोई भी मूवी हो तो मतलब अगर जगतपति बाबू को नहीं डाला तो विलन कैसे हो सकता है जबकि ऑलरेडी वहाँ पे दो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं पर फिर भी उनको डाला और स्पेशली मूवी की लेंथ बढ़ा दी गई दो घंटे पैंतालीस मिनट मतलब तो टू आवर्स फोर्टी फाइव मिनट्स की मूवी को देख के मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हूँ मूवी के लिए रजनीकांत आई साल्यूट बहुत अच्छे एक्टर हैं पर टाइम चेंजेस विद टाइम आपको ज़रूरत है खुद में चेंज लाने की अब अभी के टाइम में बहुत सारी नई मूवीज़ आ रही है लोग नया नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं नए नए एक्टिंग में चेंजेस ला रहे हैं सिर्फ हमेशा वही अपना गॉगल घुमाते रहना और वही एक्टिंग करते रहना से हमेशा मूवी नहीं चलती पर उनके आज भी बहुत सारे फैंस हैं और जिस वजह से वो मूवी हाउसफुल भी जा रही होगी पर मुझे मूवी में उनकी एक्टिंग के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगा मूवी का स्टोरी ख़राब था स्क्रीन प्ले ख़राब था वी ख़राब था और बैकग्राउंड साउंड मतलब बीजेम तो इतना हाई लेवल पर था कि मतलब आपको लगेगा कि आप कुछ डायलॉग्स सुन भी नहीं पाओगे अब तमिल में है काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आए होंगे ऑलरेडी लोग इंग्लिश सब के साथ देख रहे होंगे तो मतलब फिर भी बियरेबल होगा बट इतना ज़्यादा कि जो तमिलियंस होंगे या जो तमिल बोलने वाले होंगे वो तो पकड़ के बोलेंगे यार डायलॉग ही नहीं सुन पाया मैं और इतना लाउड म्यूज़िक होना कि मतलब कन्फर्म हैडिक बढ़ा देगा जैसा मैंने बोला तो नयन तारा का भी रोल बात कर लेते हैं हम नयन तारा को क्यों छोड़ दे बेचारी को तो उनका भी रोल एक एडवोकेट का हो और मतलब थोड़ा बहुत रोल उनको दे दिया गया है साइड बाय करने के लिए बट क्या मूवी ऐसी बनानी ज़रूरी थी और मतलब इतना ज़्यादा क्या था कि सिर्फ रजनीकांत के भरोसे मूवी डाल दो मतलब कुछ भी डाल दो चल जाएगी और मैंने जहाँ इसका कंपैरिजन राधे से किया है तो आप लोग समझ गए होंगे कि वहाँ पे राधे में हमारे सलमान खान पे पूरा बोझ डाल दिया गया था यहाँ पे हमारे रजनीकांत पे पूरा डाल दिया गया है मूवी वॉज रियली अ फ्लॉप शो कन्फर्म अपना टाइम वेस्ट मत करो मैंने आपको सच बताया मुझे भी जाके सच बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगता है ये बताना बिल्कुल मत भूलना चलिए बाय फ्रेंड्स टेक केयर